वो कौन थे जिन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई और मैं उन्हें थैंक्स भी नहीं कह पाई। माँ तेरा लाख लाख शुक्रिया। दुक्का दुक्का, हे सूर्यनारायण भगवान, ये ममता अभी तक आया क्यों नहीं बेटा? हमारा तो दिल बहुत घबराता है। इवी चिंता करो ना माँ, आती होंगी छोटी माँ। मेरा मतलब है आप दोनों यहाँ इस वक्त ये जगह ठीक नहीं है। देखिए परेशान मत होइए, मैं एक शरीफ आदमी, चाहो तो मैं आप दोनों को छोड़ सकता हूँ। चलिए। ना दादा, ओ क्या है, हमारा छोटो बोना भी टैक्सी लाने को गया है, हम चला जाएगा। आप हमारा मदद के लिए रुका, अशेष धन्यवाद। भालो लगा, जितना सुना था उतना बुरा नहीं है मुंबई शहर। ओके, नमस्ते। क्यों लो? छोटी माँ क्या हुआ, आप इतना हाफ क्यों रही हैं? कुछ गुंडे पीछे पड़ गए थे, लेकिन माँ की कृपा देखो, विष्टिपुआ पता नहीं वहां पर कोई आदमी आ गया, गुंडों के साथ बहुत मारपीट हुई और उसने मुझे बचा लिया। चलो भगवान उसका रक्षा करेगा। टैक्सी। सिटी हॉस्पिटल। चलो चलो मिमी धरो। सर पेशेंट को होश आ गया है, अब उनकी तबीयत ठीक है। थैंक गॉड। हम उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, अगले 24 घंटे उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू। मीरा अब तुम घर जाओ, मैं ड्राइवर से कह दूंगा कि तुम्हें घर ड्रॉप कर दे। ड्राइवर ये सर, इन्हें घर छोड़ दो, मैं एक मिनट में आती हूँ। सर मैं आपको एक बात बतानी थी, कल जिस गाड़ी ने आपको टक्कर मारी है उस गाड़ी को मैंने पहले भी कहीं देखा है, कहीं वो आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहती थी? हो सकता है, लेकिन ये बात किसी से मत करना। ओके जाओ, इन्हें घर छोड़ के आओ। थैंक यू सर। बाय। अगर ड्राइवर का शक सही है तो फिर मेरी किसी से क्या दुश्मनी, क्यों कोई मुझे मारना चाहेगा? सर ये कुछ जरूरी मेडिसिन है जो अभी आपको बाहर से लाने पड़ेंगे, हॉस्पिटल के स्टॉक से खत्म हो गए हैं। ठीक है। चाहे वो हादसा था या फिर मुझे मारने की साजिश, लेकिन तुमने जो मेरे लिए किया है कृष्णा, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज से हम एक ऐसे रिश्ते में बंध गए हैं जो कभी नहीं टूट सकता, नहीं टूट सकता। यहाँ पर कृष्णा शर्मा एडमिटेड है, एक्सीडेंट का केस था। अभी अभी उन्हें थर्ड फ्लोर पे शिफ्ट किया गया है, रूम नंबर 302। एक्सक्यूज मी मैम, आपका बैग। एंजल पूरी अच्छी ना, पकड़ो तुम पकड़ो। इतना सीढ़ी 305। सुनिए 302 कहाँ पर है? मैडम उस तरफ। थैंक यू। सीढ़ी तो नहीं है, बस आके यहाँ पे। कृष्णा
कृष्णा। मॉम। नहीं उठो मत, आराम करो। कैसा है हमारा सोना बाबा है? मैं ठीक। तो बात मत करो मुझसे। ये क्या हालत बना कर रखी, कैसे हो गया ये एक्सीडेंट? और डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि एक बार अपनी मॉम को बुला लो, फिर दौड़ने लगोगे। देखा इसको, यहाँ मेरी जान निकल रही है और ये मजाक कर रहा है। छोटी माँ देखना, अब दुर्गा माँ कृष्णा को कितनी जल्दी ठीक कर देंगी। नहीं कृष्णा, ये सब तुम्हारी जिद की वजह से। मैंने कहा था ना ये शहर ठीक नहीं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो सोचा मेरा क्या होता। इतना बुरा भी नहीं है ये शहर, वरना वो सर आपके बेटे की इतनी मदद नहीं करते। कौन है वो? मॉम, I think वो मेरे बॉस होंगे। वो जो कोई भी हो, उनका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। सर, कृष्णा के घर वाले आ गए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। थैंक गॉड आ गए। थैंक यू। ओके सर। डैड, मैं आपको लेने आया। अरे आरफ, तुम पूरी रात आपने यूं ही गुजार दी। अपनी हालत तो देखिए, कितने थक गए हैं आप। आज आपकी सिंगापुर डेलीगेट्स के साथ मीटिंग है, वो ऑलरेडी इंडिया पहुंच चुके हैं, और उस मीटिंग के बाद हमें नई प्रेजेंटेशन भी तैयार करनी है, क्योंकि कृष्णा अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएगा। एक्सक्यूज मी जी, मुझे एक जरूरी काम में जाना होगा। ये दवाई आप उन्हें दे देंगे प्लीज? थैंक यू। चलो आप सुनिए, क्या वो आ गए? हाँ, लेकिन वो जल्दी में थे, वो देखिए वो जा रहे हैं। और सुनिए, डैड आप ये क्या कह रहे हैं? ये प्रेजेंटेशन पोस्टपोन नहीं हो सकती, सिंगापुर से ऑलरेडी डेलीगेट्स आ चुके हैं। आरफ, इस प्रोजेक्ट पर कृष्णा ने काम किया, उसने मेहनत की। नहीं डैड, हम उसका ठीक होने तक इंतजार नहीं कर सकते। डोंट वरी डैड, आफ्टर ऑल आपके बेटे ने भी यूएस से एमबीए किया है। डैड, मैंने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन बना ली है, बस थोड़ा सा फिनिशिंग टच बाकी है। होप यू विल लाइक इट। हाँ ठीक है, जब तुम्हारा प्रेजेंटेशन रेडी हो जाए मुझे इन्फॉर्म कर देना। यू आर फिनिश्ड मिस्टर कृष्णा शर्मा। जा रहे हो? मिलने का वक्त तो खत्म हो चुका है, और कोई भी रूल तोड़ना गलत बात होती है ना? पता है, लेकिन बहुत जरूरी काम है। लेकिन आप? ये है मेरी मॉम, और मॉम ये है मीरा, मेरी कलीग और दोस्त भी। नमस्ते आंटी। नमस्ते। मीरा, तुम इस वक्त? आपको आपका सिंगापुर वाला प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। डेलीगेट्स वहाँ से आ चुके हैं और प्रेजेंटेशन कल है। मगर गया पानी में। हम आपके कैबिन से सारा अधूरा काम और इम्पोर्टेंट फाइल्स इस लैपटॉप में सेव करके लेकर आएंगे। हम दोनों मिलके ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट करते हैं। आंटी सॉरी, अगर ये काम इम्पोर्टेंट नहीं होता ना तो हम इन्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है, तुम लोग बैठ कर काम करो, मैं बाहर बैठी हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना, ठीक है? ओके। आप बैठिए, अब जब मैं बता दी क्या करना है। ये लीजिए आपकी फाइल। Thank you.
चलते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप सो जाइए। बाय। सो जेंटलमैन, प्रेजेंटेशन शुरू करें। वेयर इज मिस्टर कृष्ण शर्मा? आई बिलीव ही वाज सपोज्ड टू गिव दिस प्रेजेंटेशन। एक्चुअली वो बना नहीं सके, बट मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की है। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। सॉरी टू इंटरप्ट। आई एम मीरा। एक्चुअली मिस्टर कृष्णा का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वो आज प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए इस प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। इफ यू ऑल डू नॉट माइंड, मे आई स्टार्ट? सर? ऑफ कोर्स, प्रोसीड। ओके। परफेक्ट मिस्टर अक्षय। थैंक यू। मीरा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बात बताओ मुझे, तुमने ये सब मैनेज कैसे किया? जब हमने प्रेजेंटेशन के बारे में सुना तो हम कृष्णा की सारी फाइल्स लेके हॉस्पिटल चले गए। वहाँ उन्होंने हमें सब समझा दिया। आई एम ग्लैड तुमने ये सब कुछ किया। बाय द वे, कृष्णा की तबीयत कैसी है? ठीक है सर, आज शाम को उनको डिस्चार्ज मिल जाएगा। गुड। अरे हाँ, उसके घर वाले आ चुके हैं, उनके रहने का इंतजाम करना होगा। सर, मिस्टर अग्रवाल आ गए, मैंने उन्हें आपके कैबिन में बैठा दिया। मैं अभी आता हूँ। मिस्टर मल्होत्रा, मेरे झूठ के बंगले की चाबी मैंने आपको दी थी। एक काम कीजिए, ये चाबी आप कृष्णा को दे दीजिए। उससे कहिए कि डिस्चार्ज के बाद अपनी फैमिली को वहाँ लेकर जाए, घर वहीं पर है। सर, अगर आप कहें तो मिस्टर मल्होत्रा चाबी लेके हम खुद देने चले जाएं। उनको प्रेजेंटेशन के सक्सेस के बारे में बताना है। व्हाई नॉट? थैंक यू सर। डैड, जो घर आपने इतनी शौक से अपने लिए बनवाया था, वो आप कृष्णा को दे रहे हैं? मैं पूछ सकता हूँ क्यों? क्योंकि वो उसके लायक है यार। पता नहीं उस कृष्णा ने क्या जादू कर दिया सब पर, यहां तक कि मीरा भी उसे पसंद करने लगी है। बस बहुत हो गया, इस कृष्णा को तो रास्ते से हटाना ही होगा, वरना मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। बुआ,
हम खोलेगा? चल चल। बाबा की विशाल सुंदर बाड़ी। वही गार्डन का फूल होगा। वाओ माँ, यहाँ तो लाइब्रेरी भी है। मॉम, क्या हो गया? आइए ना। ए कृष्णा, हाँ? इधर आओ, देखो कितना बड़ा लाइब्रेरी है। तुम्हारे फेवरेट फूल हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि हमारे नए घर को मैं इन फूलों से सजा कर रख दूंगा। जहां भी देखूंगा सिर्फ यही फूल होने चाहिए। नया घर? हाँ, नया घर जहां पर सिर्फ हम दोनों रहेंगे और हम अपना हनीमून मनाते रहेंगे, मनाते रहेंगे। सुनकर तो जाओ, जानती हो मैंने इस आशियाने का नाम क्या सोचा? क्या? ममता मिला। इस घर में आते ही क्या सोचने लगी आप? कुछ नहीं, आ रही हूँ। मैं भी क्या सोचने लगी, पता नहीं ऐसे कितने फूल, ऐसे कितने ममता विलास शहर में होंगे। नहीं क्यों, जो घर मेरे और ममता के सपनों की ताबीर है, उसे मैंने एक अनजान लड़की को कैसे सौंप दिया, समझ में नहीं आता। इतने कम वक्त में वो मुझे इतना अपना सा क्यों लगने लगा है? ये कोई वक्त है घर आने का? तुम्हारे पापा से पहले ही कह दिया था मैंने, तुमसे MBA ना करवाए। मम्मा, आप समझते क्यों नहीं, कृष्णा इतने अच्छे इंसान है कि हम अपने आप को उनकी मदद करने से रोक ही नहीं पाए। अगर हम उनकी मदद नहीं करते ना, तो उनकी सारी मेहनत पानी में चली जाती। राइट, तो सारी दुनिया की फिक्र है तुम्हें, बस अपनी मॉम की कोई फिक्र नहीं। हाँ, एक फोन नहीं कर सकती थी तुम? तुम्हारे पापा के लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है तुम्हें, सर पे चढ़ा के रखा है। बिल्कुल ठीक है यानत, मैं अपनी रॉथशार से बहुत प्यार करता हूं, और हाँ, मैंने उसे अपने सर पे भी चढ़ा कर रखा। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरी बेटी कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। राइट रॉथशार?